तो और भी कोई डाउट है आप लोग बोल देना, है ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है। स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, एंड दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। सच बहुत टफ टॉपिक नहीं है ये, सिंपल ही है। थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें काफी मिलेंगे आपको, बाकी चैप्टर इजी है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है क्या, आप लाइक लिमिट्स वगैरह अप्लाई करते हो। एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करना, इसमें कंसेप्ट क्या है। जैसे एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन है लेट से एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं ना, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। या फिर एक काम करो, इसके इंटीग्रेशन को जी ऑफ एक्स बोल दो। एंड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, या सॉरी, जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी विल बी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ, जी हाँ मतलब इसका इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स, और फिर उसके ऊपर अप्लाई करोगे लिमिट्स। दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट। ये कोई बहुत नया पॉइंट नहीं है, ठीक है। सिंपली आप लिमिट्स को अप्लाई कर देते हो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ध्यान रखना इस फंक्शन का कंटिन्यूस होना कंपलसरी है। सपोज करो कोई भी फंक्शन है, लेट से कोई भी फंक्शन, और उसका इंटीग्रेशन आता है 10x। उसका इंटीग्रेशन आता है क्या, 10x। और ये क्वेश्चन था लेट से 0 to π, तो 10x 0 to π में कंटिन्यूस है क्या? नहीं। हाँ, तो आप इस पे डायरेक्ट 0 to π लिमिट अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि 0 to π में आएगा π/2, और वहां पे दिस 10 नॉट, डिफरेंशियल हाँ ठीक है। तो फिर वहां पे क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं लिमिट्स को, लाइक 0 to π/2 और π/2 2, फाइव ठीक है। एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करना, है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये कोई भी एक फंक्शन, उसका ग्राफ, ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए, दिस पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू बी, और ये शेडेड एरिया, इसको बोल देते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड है, सो दिस एरिया विल बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, बी। ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और है ना, क्वेश्चन ये रहा होता लाइक दिस ए दिस बी, और ग्राफ है यहां पे बिलो एक्स एक्सिस, देन दिस इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी। एक पॉइंट ध्यान रखना, एक्स एक्सिस के जो बिलो एरिया होता है ना, बिलो एक्स एक्सिस एरिया, तो वहां पे इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है नेगेटिव। क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। सो क्वेश्चन रहा होता कि ये एरिया इंटीग्रेशन फाइंड करो, देन इट विल बी नेगेटिव, बट क्वेश्चन रहा होता एरिया वाला, है ना, कि एरिया फाइंड करना है आपको। तो फिर इस पे क्या अप्लाई करते हैं आप, मॉड। क्या अप्लाई करते हैं बोलो, मॉड, या फिर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यार वो वैल्यू नेगेटिव है, तो जस्ट उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, और वैसे भी ये वैल्यू है नेगेटिव ओपन विद, नेगेटिव साइन। ठीक है। एक पॉइंट ये, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज जीरो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी एंड ये इंटीग्रेशन कितना आ रहा है बोलो, जीरो। क्या मीनिंग है इसका, क्या इंटरप्रिटेशन है? जो एरिया है ना सर, वो कैंसिल करेगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब तुम ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पे कि ये मिड पॉइंट पे ही आने वाला है ना, ये कंपलसरी नहीं है। बाकी इतना कन्फर्म है कि जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर, सेम एरिया एक्स एक्सिस के बिलो, ठीक है। एक पॉइंट और, इसने बोला हुआ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यानी एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो 100% एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस को कट करेगा एटलीस्ट पॉइंट वन टाइम इन दिस इंटरवल, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे ग्राफ बनाओ, ये एरिया आ गया हो लेट से 1, दिस एरिया आ गया हो अगेन
ये एरिया भी हो गया होगा वन, और ये कितना एरिया हो गया वन, टू. ठीक है. तो देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विल बी हैविंग एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी. ठीक है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड करने में भी यूज होता है कई बार. ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व, वहां पे फिर इन डेफिनेशंस को यूज करने वाले. अभी स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशंस के एग्जांपल्स. लाइक एग्जांपल है दिस, अभी काफी स्टार्टिंग में बेसिक एग्जांपल है जिसके अंदर कोई स्पेशल प्रॉपर्टी वगैरह नहीं, बाद में फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी आते हैं जिससे काफी टफ क्वेश्चन जो होता है ना वो काफी ईजी हो जाते हैं. सो स्टार्टिंग लाइक क्वेश्चन दिस, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन 2x और dx. ये सब वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने डेफिनेट में किए थे यार ना. तो कौन एक्सप्लेन करेगा दिस क्वेश्चन, बोलो. अमन तुम एक्सप्लेन करो. वॉइस क्लियर है? ठीक है प्रथमेश, वॉइस क्लियर है ना? तो क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन 2x dx. ठीक है, ये आपको बताया था न्यूमरेटर में है प्लस, तो साइन 2x को आप एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ माइनस, सो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर. चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें, है ना, कोई डाउट है तो बोल देना. तुम लोगों से पूछते हैं तो थोड़ा तुम टाइम वेस्ट करते हो हमेशा, है ना. ओके, तो ये हो गया अभी 2 माइनस यानी कि 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी डिफरेंशिएट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये क्वेश्चन बन गया डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन है टेन इनवर्स टी. एक पॉइंट और देखो, अभी यहाँ पे है ना लिमिट्स चेंज रहेंगे क्योंकि अभी ये फंक्शन बन गया है टी में, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो ये लिमिट्स उसी के होते हैं. लाइक डी एक्स यानी ये लिमिट है एक्स के 0 टू पाई बाई 2. ठीक है, अभी ये देखना पड़ेगा आपको एट एक्स इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू साइन 0 माइनस कॉस 0 यानी कि माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 टी इज इक्वल टू 1. तो ये लिमिट हो गए अभी क्या माइनस 1 टू माइनस 1 टू प्लस 1, और यहाँ पे सी विल गेट कैंसिल्ड फाइनली, इसलिए इसको डेफिनेट भी बोलते हैं, इसीलिए इसको डेफिनेट बोलते हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता है. सो फाइनल आंसर इज 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स माइनस 1 10 इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री, ये है अगेन माइनस 45 डिग्री. फाइनल आंसर इज पाई बाई 2 2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 फ्रॉम 0 टू 1, ये ट्राई करो. सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, 2 डिग्री अपॉन 4 डिग्री, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. एक्स स्क्वायर को वी कैन एक्सप्रेस 1 अपॉन 2 टाइम्स
एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाँ, और ये हो गया अभी दिस। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय वन अपॉन एक्स, सो आई वन वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में है प्लस, उसको एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ माइनस, x minus 1 upon x whole square plus 2, this is 1 up minus 1 upon x square, ye hai x square plus 1 upon x square, yani x plus 1 upon x whole square minus 2, this ko put karte ho t to ye hai dt, this ko put karte ho p to ye hai dp, so this is like dt upon t square plus 2 dp upon p square minus 2 1 upon a tan inverse x upon a root 2, and this is 1 upon 2a, ye root 2 ka square hai, so 1 upon 2a ln x minus a upon x plus c plus c, aur bahar tha 1 upon 2 aur fir is pe limits wagera, theek hai, kaam karte hain limits wagera ko to wahi rakhte hain, next page pe karte hain. ठीक है, लिमिट्स थे इस क्वेश्चन में 0 टू 1 और ये लिमिट है x के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे t है क्या x माइनस वन अपॉन x एंड p इज x प्लस वन अपॉन x, एक काम करते हैं इसको चेंज ही कर लेते हैं, मिनट को देखना, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट 2 टेन इनवर्स t अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन 4 ln p माइनस रूट 2 अपॉन p प्लस रूट 2 t है x माइनस 1 अपॉन x एंड p इज x प्लस 1 upon x, limit थे 0 to 1, at x is equal to 0 and at x is equal to 1, at x is equal to 1, t is equal to 0 and at x is equal to 0, ये actually 0 से, ये 0 to 1 में move कर रहे हैं आप, है ना, तो ये 0 plus actually, तो ये है 0 plus, ये है 1 upon 0 plus, यानी infinity, आगे है minus sign, so minus infinite, infinite, तो यहाँ पे limit apply होगा minus infinity to जीरो, ठीक है, इंटीग्रेशन था जीरो टू वन, तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस पी इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, और एट एक्स इज इक्वल टू वन पी इज इक्वल टू टू, तो ये हो गया अभी वन अपॉन टू रूट टू टेन इनवर्स, जीरो पे कितना वैल्यू आ रहा है इसका, जीरो और माइनस इनफिनिटी टू जीरो, ठीक है, जीरो अप्लाई करो कितना आ रहा है, टेन इनवर्स जीरो इज जीरो, जीरो माइनस टेन इनवर्स माइनस इनफिनिटी माइनस वन अपॉन फोर, ये लिमिट हो गया जीरो टू वन, यानी इनफिनिटी टू टू, एट पी इज इक्वल टू टू एल एन टू माइनस रूट टू अपॉन टू प्लस रूट टू माइनस एल एन पी इज इक्वल टू पुट करोगे इनफिनिटी, तो बेसिकली यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है, तो कोफिशियंट ऑफ पी का रेशियो वो है वन, तो माइनस एल एन वन, एल एन वन नॉट जीरो, फाइनल आंसर वन अपॉन फोर रूट टू पाई प्लस वन अपॉन फोर एल एन टू माइनस रूट टू अपॉन टू प्लस, ठीक है, और सी कैंसिल,
नेक्स्ट ये ट्राई करो। हाँ बोलो। वो उस क्वेश्चन में मतलब वो पी वाले पे जो लिमिट लगा है 2 to infinity वो मतलब उल्टा होगा ना, मतलब इन्फिनिटी का। जीरो टू बेटा 0 to 1 इंटीग्रेशन था ना, 0 to 1 इंटीग्रेशन था, 0 to 1 इंटीग्रेशन था। ठीक है, तो 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? इन्फिनिटी इन्फिनिटी। हाँ, और 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? टू तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगा इन्फिनिटी टू। टू हाँ ठीक है, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू, एक्स ये आपको बताया था क्या करते हैं हमें डी एक्स और डिवाइड। हाँ, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x डी एक्स, ये हो गया अभी एक्स स्क्वायर डी एक्स। फाइनल आंसर शुड बी, क्या आंसर आएगा बताओ, कैलकुलेट करके आराम से सोच के बताना। ठीक है, ये 2√2 और यहाँ पे 4√2 आ गए। सो ये क्वेश्चन है अभी एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट्स। ये लिमिट्स -1 to 1 नहीं आएगा, अभी ध्यान रखना है ना, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है लिमिट्स उसी के होते हैं। लाइक स्टार्टिंग में एल एन एक्स इज इक्वल टू -1, देन एक्स इज इक्वल टू 1/e, एल एन एक्स इज इक्वल टू +1, एक्स इज इक्वल टू, तो ये लिमिट्स है 1/e to e। फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब 3 एंड लिमिट्स 1/e to e। सो फाइनल आंसर इज 1/3 e³ -1। मिस्टेक क्या होता है, वो लिमिट्स हम चेंज नहीं करते हैं ना, तो वो चेंज करना है आपको। डी में जो लिखा होता है ना, आप उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होते हो, बस इतना माइंड में रखो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो। सो 0 to 1 10x डी साइन एक्स, और फिर यहां पे dx dx, सो दिस विल बी cos x dx, लिमिट चेंज। साइन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू, फाइव बाय टू, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू, जीरो, फाइव तो ये होगा 0 to बाय। हाँ, टेन इज साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस परफेक्ट। कॉस एक्स, लिमिट है 0 to π/2, माइनस बाहर कॉस 90 डिग्री इज 0, कॉस 0 इज 1, फाइनल आंसर इज। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बस इतना सा है इसके अंदर कि जो डी में दिखता है ना आपको, इसके लिमिट्स होते हैं। तो अभी यहाँ पे डी में था साइन एक्स, मतलब ये लिमिट्स है साइन एक्स के, अभी चेंज किया है हम लोगों ने और ये हो गया डी एक्स, यानी अभी लिमिट्स होना चाहिए एक्स का। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0,
तो ये लिमिट्स होंगे अभी 0 टू पाई बाई 2. फाइनल आंसर विल बी दिस. नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो. Starting with 1 plus x square root. ठीक है, तो ये हो गया अभी 2x dx is equal to dt x dx dt upon 2 ln t. ठीक है, limits change कर लेते हैं. x is equal to 0, t is equal to 1. At x is equal to 1, t is equal to 2. और ln t का integration t ln t minus t plus 1 to 2. 1 upon 2, first t put karo yaha pe 2, so this will be 2 ln 2 minus 2 aur fir minus sign, fir 1 put karte hain, 1 ln 1 yani ki 0 minus 1. C hata sakte ho yaar na abhi. Final answer. टू एल एन टू और ये हो गया माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का वन. इसको और भी इंटरचेंज कर सकते हैं लाइक वन अपॉन टू और ये हो गया है एल एन फोर अपॉन ई. ये क्लियर? यानी एल एन टू अपॉन रूट ई प्लस सी. इजी क्वेश्चन था सारे, ऐसा कुछ स्पेशलिटी नहीं है अभी तक इसमें ना. नेक्स्ट ये ट्राई करो. x square tan inverse x 0 to pi. डेफिनेटली यहाँ पे यूज करोगे क्या बोलो? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. हाँ ठीक है. एंड दिस फंक्शन शुड बी, इसका बाद में होगा इंटीग्रेशन, तो इसको रखना चाहिए हम लोगों को. देखो एक बार यहाँ एलजेब्रा और सेकंड इनवर्स, ये ऑर्डर होता है सेकंड फंक्शन का. सो दिस शुड बी सेकंड फंक्शन एंड दिस फर्स्ट फंक्शन. इंटीग्रेशन इज फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन. नेक्स्ट है बोलो. फर्स्ट डिवाइड. बिल्कुल सही है, फर्स्ट डिवाइड कर देते हैं. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, या कोई डायरेक्ट मेथड नहीं दिख रहा है क्या? सपोज करो एक्स स्क्वायर को पुट करते हैं टी. देखो डायरेक्ट भी हो जाएगा ये. 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो? टी. तो 2x dx इज इक्वल टू dt. dt तो एक x dx कंज्यूम हो गया, दैट इज 1 अपॉन 2 dt. रिमेनिंग है x स्क्वायर, दिस विल बी t माइनस 1 और डिनोमिनेटर t. तो ये है 1 यानी कि t, 1 अपॉन t यानी ln t.
ln t. So final integration is this 10 inverse x, x cube upon 3 minus 1 upon 3 और 1 upon 2 भी है यहाँ पे. So 1 upon 6 t था 1 plus x square minus ln 1 plus x square. और फिर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे 0 टू पाई, तो ये हो गया पाई क्यूब अपॉन 3. ये 0 टू पाई नहीं होना चाहिए क्योंकि टेन इनवर्स एक्स में पाई क्या रखेंगे हम लोग, टेन इनवर्स पाई थोड़ी होता है कुछ. 0 टू 1 कर देते हैं इसके काम, 0 टू 1 करते हैं. टेन इनवर्स 1 45 डिग्री यानी पाई बाय 4 minus 1 upon 6. This is 2 minus ln 2. और फिर इसमें रखोगे आप 0. 10 inverse 0 is 0 minus. ये है 1 and this is ln 1 यानी कि 0. So minus 1 upon 6. Final answer क्या आ रहा है बोलो? पाई टू द पावर 4 अपॉन 12 माइनस 2 अपॉन 6, ये है प्लस 1 अपॉन 6. माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 यानी माइनस 1 अपॉन 6 प्लस ln 2 अपॉन 6. ये पाई टू द पावर 4 कैसे आ गया? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल. सर x को 1 पुट किया है ना भाई, वही 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 ये फर्स्ट मैंने पाई पुट कर दी, तो ये आना चाहिए 1 अपॉन 3 यानी दिस विल बी पाई अपॉन 12. तो ये इसका फाइनल आंसर है. जस्ट इंटीग्रेशन ही करना है, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं इसमें. नेक्स्ट एक ये ट्राई करते हैं, x cot inverse x dx minus 1 to plus 1. अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सेकंड एंड दिस विल बी फर्स्ट. सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस माइनस विल बिकम प्लस सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अगेन इंटीग्रेशन. तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 था और यहाँ पे करते हैं प्लस 1 और माइनस 1 और फिर इसको सेपरेट. सो फाइनल इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉट इनवर्स एक्स प्लस का 1 अपॉन 2 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 10 इनवर्स एक्स लिमिट माइनस 1 टू 1 प्लस 1 1 अप्लाई करो दिस विल बी 1 अपॉन 2 कॉट इनवर्स 1 यानी कि 45 डिग्री प्लस 1 अपॉन 2 1 माइनस 10 इनवर्स 1 अगेन 45 माइनस अभी पुट करते हैं माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 2 कॉट इनवर्स माइनस 1 कितना होता है बोलो. π/4 cot inverse -π/4 π - π/4 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 π - π/
माइनस 3π/8 माइनस 1/2 और प्लस π/8 दिस π/8 दिस π/8 कैंसिल 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 और ये है माइनस 3π/8 माइनस π/8 यानी माइनस 4π/8 यानी माइनस π/2
नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। y is equal to sin x, 0 ये वैल्यू है 1, this angle is pi by 2, और ये लाइन है कोई भी है ना, this line parallel to y axis, यानि x coordinate constant, x is equal to k, this area is a1, this area is a2, find k, so that a1 is equal to a2, ये ट्राई करो। A1 is equal to sin x का integration from 0 to k. A2 is equal to again sin x का integration from k is equal to pi by 2. Sin x का integration minus का cos x limit है 0 to k minus बाहर this will be cos k minus 1 यानी 1 minus cos k, ठीक है, अगेन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस ब्रैकेट के बाहर ये है k2 pi by 2, सो माइनस cos 90 डिग्री 0 माइनस का cos k यानी cos k, a1 इज इक्वल टू a2, सो 1 माइनस cos k इज इक्वल टू cos k, cos k 2 cos k इज इक्वल टू 1, cos k इज इक्वल टू 1 by 1 upon 2 यानी k is equal to 60 degree pi by 3, ठीक है, काफी लोगों को ये लगता है कि 45 degree पे ही half होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 60 degree पे half होता है। तो this pi by 3, this 0 and this pi by 2, यानी ये difference है 60 degree और ये difference है कितना 30 degree, और वैसे भी यार उसका height ज्यादा है ना, तो विड्थ कम रखोगे तो भी एरिया इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करते हैं, dx अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x फ्रॉम 0 टू पाई, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या करते हैं इसमें बोलो, sec square से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या सर sec square से मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ sec square मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये है 1 upon 2 डिग्री फॉर्म, सो 0 टू पाई दिस विल बी sec square x dx upon 3 sec square x is 1 plus tan square tan square x, tan x को आप पुट करोगे t,
डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यानी कि डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस फोर यानी टू स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स टू बाय एक टू बाय टू टेन एक्स अपॉन टू लिमिट जीरो टू फाइव तो ये डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना 10x is not defined in 0 to 5. हाँ, या फिर is not continuous in 0 to 5. तो basically करना कुछ भी नहीं है, इसको break करना है just at x is equal to 5 by 2. So 1 upon 2, 10 inverse, 10x upon 2, x upon a, 0 to pi by 2, and then pi by 2 to pi by. अच्छा वन अपॉइंट टू को बाहर ही रखते हैं ना या फिर चलो अलग ही रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है वन अपॉइंट टू टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉइंट टू जीरो टू पाई बाई टू तो ये जीरो टू पाई बाई टू तक है ये होता है टेन एक्स का ग्राफ जीरो पाई बाई टू पाई अभी ये जो है ना जीरो टू पाई बाई टू तो ये ऑब्वियसली बात है ये पाई बाई टू माइनस है यार है ना पाई बाई टू से थोड़ा कम है ये तो पाई बाई टू माइनस पे दिस वैल्यू प्लस इनफिनिटी अपॉन टू बी इनफिनिटी टेन इनवर्स इनफिनिटी जीरो टेन इनवर्स इनफिनिटी पाई बाय टू जीरो पुट करोगे टेन जीरो जीरो टेन इनवर्स जीरो इज जीरो प्लस वन अपॉन टू पाई ठीक है टेन पाई होता है जीरो टेन इनवर्स जीरो इज जीरो माइनस अभी पुट करोगे पाई बाय टू तो बेसिकली यहाँ पे पाई बाय टू है क्या एक्चुअल में प्लस पाई बाय टू प्लस पे कितना वैल्यू आ रहा है इनफिनिट पाई बाय टू के राइट साइड में कितना वैल्यू आ रहा है माइनस इनफिनिटी इनफिनिट और ये हो गया टेन इनवर्स माइनस इनफिनिटी इज माइनस पाई बाय टू फाइनल आंसर पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर यानी पाई बाय Any doubt? इन क्वेश्चंस पे कोई डाउट है किसी को बोलो अच्छा ये ट्राई करो इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री फ्रॉम वन टू फोर
शमी तुम बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री फ्रॉम वन टू फोर, ये क्वेश्चन। हाँ प्रश्नेश तुम बोलो, एंट्रीज किया तुमने। वो ऐसा करते वन टू थ्री में उसका अलग और थ्री टू फोर में, मतलब वो वन टू थ्री में माइनस के साथ ओपन होगा और थ्री टू फोर में प्लस के साथ। तो वन टू थ्री में ये वैल्यू है नेगेटिव, ओपन विद थ्री माइनस एक्स नेगेटिव साइन, थ्री टू फोर ये वैल्यू पॉजिटिव, ओपन एज इट इज, एज इट इज करेक्ट। थ्री का इंटीग्रेशन थ्री एक्स ये भी कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री, वी शेप आएगा इसका एंड जीरो इज एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। और ये इसका है ग्राफ वाई डी एक्स, यानी एरिया ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम वन टू फोर। तो ये है वन, दिस इज फोर। वन पे कितना आउटपुट आ रहा है, वन एंड फोर पे कितना आउटपुट आ रहा है, वन। तो ये हाइट है वन, बेसिकली आपको ये जस्ट इतना डिटरमाइन करना है, कहने का मतलब ये है। तो ये हाइट है वन, दिस हाइट टू, दिस एरिया वन अपॉन टू बेस इनटू हाइट, दिस एरिया वन अपॉन टू बेस इनटू हाइट, तो ये है कितना बोलो टू, एंड दिस वन बाय टू, टोटल एरिया फाइव बाय टू, ये इसका फाइनल आंसर। बाकी ये भी सॉल्व करते हैं ना, सेम ही आंसर आता है उससे, चेक कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग में पुट करो थ्री, तो ये हो गया नाइन माइनस नाइन अपॉन टू, फिर पुट करोगे वन, थ्री माइनस वन अपॉन टू, नाइन माइनस नाइन अपॉन टू इज नाइन अपॉन टू एंड दिस इज फाइव अपॉन टू, नाइन अपॉन टू माइनस फाइव अपॉन टू यानी फोर अपॉन टू यानी कि टू, प्लस फोर पुट करो यहाँ पे, सिक्सटीन अपॉन टू इज एट माइनस का ट्वेल्व, माइनस फिर पुट करोगे थ्री, सो थ्री स्क्वायर अपॉन टू इज नाइन अपॉन टू माइनस का नाइन, 8 minus 12 is minus 4 and this is plus 9 upon 2 yani plus 1 upon 2 and 2 plus 1 upon 2 is 5 upon 2। ये क्वेश्चन ट्राई करो। या टू थ्री क्वेश्चंस और करते हैं ना, फिर छोड़ते हैं तुम लोगों को। तो जिसको सीरियसली पढ़ना है सच में, वो मेरे को मैसेज कर देना, इसका एक सेपरेट पेज बना करके केवल उनकी क्लास लूंगा मैं आपसे ना, बाकी क्या क्या करना है वो देखते हैं। जिसको सिंसियरली पढ़ना है वो एक मेरे को व्हाट्सएप कर दो, तो एक सेपरेट बैच बना करके उनको इवनिंग का क्लास रखते हैं, या फिर जो भी टाइम है, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग, इवनिंग है तो इवनिंग, बाकी का फिर कुछ एक अरेंज करते हैं फैकल्टी। तो ये है 1 to 5 मॉडुलस ऑफ दिस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो ये है x माइनस 1 into x माइनस 3 प्लस माइनस प्लस, तो 1 to 3 में ओपन विद
नेगेटिव साइन एंड 3 to 5 ओपन हाँ अभी देखो यार ये पैराबोलास है ना पैराबोलास के एरिया के कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं तो तुम इसका डायग्राम बनाते हो तो बना दो कोई इशू नहीं है डायग्राम में डायग्राम विल बी लाइक दिस और ये है 1 2 यहाँ पे कहीं पे आए सॉरी ये है 1 एंड दिस इज 3 और ये है 5 अब इस एरिया का कोई फॉर्मूला होता है क्या बोलो नहीं सर हाँ तो तुम्हें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा कहने का मतलब ये जैसे यहाँ पे तो क्या ही ट्रायंगल्स बन रहे थे ट्रायंगल्स के एरियाज पता होते हैं हम लोगों को ये एरियाज नहीं पता होते हैं तो ये सॉल्व करना ये होमवर्क में कर सकते हो इजीली ठीक है ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी अप्लाई करोगे नेगेटिव साइन तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही आने वाला है नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो -3 to 6 एक्स माइनस टू ग्रेटेस्ट पार्ट डी एक्स तो ये है -3 to 6 ग्रेटेस्ट पार्ट में से इंटीजर बाहर तो ये हो गया माइनस का 2 और dx अभी देखो ग्रेटेस्ट पार्ट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता जैसे मॉडुलस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है वैसे ही ग्रेटेस्ट पार्ट का भी नहीं होता है या तो इसको ओपन करो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में वरना ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x का ग्राफ बना लो काफी इजी ग्राफ होता है 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6 तो 1 देन 2 3 टू 4 में आउटपुट 3 4 टू 5 में आउटपुट 4 और 5 टू 6 में आउटपुट 5 दिस एरिया 0 दिस एरिया 1 2 3 4 एंड दिस 5 नेगेटिव साइड -3 तक यूज करना है तो ये हो गया अभी -1 0 टू -1 में आउटपुट -1 -1 टू -2 -2 आउटपुट -2 -2 टू -3 आउटपुट -3 this area and then this area, 1, this, 2 and then this, 3, ये question area का नहीं है यार है ना ये question definite integration का है, definite integration के according x-axis के above will be considered as positive और x-axis के below उसको आप consider करोगे क्या? Negative. So answer of this question, मतलब this part, ये आना चाहिए कितना, ये total कितना हो गया, 1 plus 2, 3, 3, 6, 15, and ये total कितना है? 6. 6, so this will be 15 minus? 6, 9. हाँ, और अच्छा, ये question रहा होता, find out the area, then 15 plus 6, 21. Okay, so this is minus का 2x, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे कितना बोलो -3 to 6 6 माइनस -3 यानी कि 9 तो ये हो गया अभी 9 माइनस 2 इनटू 9 यानी फाइनल आंसर इज -9 और ये मत सोचना है ना ये 7 इनटू 9 होता है ऐसे नहीं होता नेक्स्ट -5/4 to 7/2 अच्छा एक काम करते हैं इसके अंदर ये कर देते हैं x+1/4 dx ये gif है तो gif में से इंटीजर्स ही बाहर आते हैं ना ये 1/4 इंटीजर नहीं है
तो यहाँ पे बेस्ट ये रहता है कि आप x प्लस फोर को क्या पुट कर दो, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये बन गया दिस माइनस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर कितना होता है माइनस वन, एंड दिस विल बी सेवन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर कितना होता है 15 अपॉन 4. इसमें थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन में, ये माइनस फाइव अपॉन टू करो, सो माइनस फाइव अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर माइनस माइनस नाइन अपॉन फोर. हाँ, तो बेसिकली ये ग्राफ ड्रॉ करना है आपको इन द इंटरवल दिस माइनस नाइन अपॉन फोर टू फिफ्टीन अपॉन फोर, फिफ्टीन अपॉन फोर ऑलमोस्ट कितना आएगा ये 3.3 समथिंग. ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सो जीरो वन, दिस वन टू टू में आउटपुट है वन, टू टू थ्री आउटपुट टू, एंड थ्री टू फोर आउटपुट थ्री. फोर के आगे मूव नहीं करना है ना, ठीक है, वैसे तो कंप्लीट फोर तक मूव ही नहीं करना है. ये नंबर है कितना 15 अपॉन फोर, थ्री प्लस कितना 3.7, थ्री प्लस थ्री अपॉन फोर यानी यहाँ पे, ये क्लियर? यानी दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, ये जीरो एरिया, लेफ्ट साइड मूव करते हैं माइनस नाइन अपॉन फोर यानी माइनस टू पॉइंट समथिंग था, तो माइनस वन माइनस टू, माइनस थ्री, दिस इज माइनस टू माइनस वन अपॉन फोर, यानी दिस एरिया, दिस एरिया और दिस एरिया, ये क्वेश्चन. दिस एरिया जीरो वन टू एंड दिस एरिया दिस इनटू हाइट थ्री अपॉन फोर इंटू यानी नाइन अपॉन फोर, ये टोटल कितना आ रहा है, वो थ्री प्लस नाइन अपॉन फोर 21 अपॉन फोर. ठीक है, दिस एरिया बोलो वन, दिस एरिया टू एंड दिस एरिया, विड्थ है इसका वन अपॉन फोर और हाइट कितना है थ्री है, थ्री अपॉन टोटल प्लस थ्री अपॉन फोर यानी 15 अपॉन फोर. क्वेश्चन आ होता कि एरिया फाइंड करो, एरिया तो आंसर विल बी 15 अपॉन फोर प्लस 21/4. हाँ, लेकिन क्वेश्चन अभी एरिया नहीं है, क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन विल बी 21 अपॉन फोर माइनस 15 अपॉन फोर 6 अपॉन फोर यानी 3/2. ये इसका फाइनल आंसर. टू क्वेश्चंस ये होमवर्क में सॉल्व करके आना, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी मेरे को मैसेज करो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. जीरो टू टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस माइनस वन टू फोर एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स. जी एम. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन टू फोर दिस टू द पावर दिस, दिस इज एफ पी एफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दिस इज जी आई एफ.
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी लिखो, ये बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है ना, इसको तो प्रॉपर ओपन करना। ये फ्रैक्शनल पार्ट भी ओपन होगा, लाइक 0 टू 1 में फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन, 1 टू 2 में फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1, 2 टू 3 में फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 2। ऐसे एक क्वेश्चन ये ट्राई करोगे, 0 टू 2 पाई 2 sin x और यहां पे है फ्रैक्शनल पार्ट। देखो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, fractional part of x can be written as x minus greatest part of x, तो इसको वापस इस क्वेश्चन में ही चेंज कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना करके आओ, काफी है। एक ये क्वेश्चन ट्राई करके आना, इन सब क्वेश्चंस में कोई स्पेशल कांसेप्ट नहीं है, जितना हम लोगों को नॉलेज है उतना ही सफिशियंट है सब क्वेश्चंस में। अच्छा, 1 minus sin 2x will be sin x minus cos x whole square and then under root, यानी mod of sin x minus cos x, और फिर mod को ओपन करोगे नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। Determine f of x dx minus 1 to 3। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। इन सब क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूज नहीं होती है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है होमवर्क में जस्ट। ठीक है, ये ट्राई करके आओ, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं।